शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे का शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा देना सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ कर रही है। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण से एक दिन पूर्व 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने इस मुद्दे को सुनवाई के दौरान कई बार उठाया है। ठाकरे गुट के वकीलों की दलील है कि नई सरकार इसलिए चुनी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश दिए थे। वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब बहाल करनी चाहिए। इस पर बेंच ने पूछा कि तब क्या होता यदि शक्ति परीक्षण सदन में हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई शक्ति परीक्षण व विश्वास मत हासिल करने के राज्यपाल के आदेश को स्टे करने से मना कर दिया था, लेकिन साथ में यह कहा था कि यह विश्वास मत सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इसके पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस मुद्दे पर जस्टिस एमआर शाह ने वकीलों से पूछा, 29 जुलाई का आदेश बहुत स्पष्ट था कि 30 जुलाई को होने वाला फ्लोर टेस्ट याचिकाओं के फैसले पर निर्भर करेगा। इस स्थिति में जब शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे तो अब यथास्थिति बहाल करने का क्या मतलब है। इस पर वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों का कोर्ट है, यहाँ तथ्य ही सुप्रीम है। यह पहले से ही स्पष्ट था कि 29 जुलाई को सदन में क्या होने वाला है। यह सही है कि तकनीकी शब्द विश्वास मत का प्रयोग हुआ था, लेकिन सदन में जिस परीक्षण की अनुमति दी गई थी उसमें सिंधे गुट के 39 विधायक हमारे खिलाफ वोट देते तो यह अवश्य भावी था। इस वजीहत से बचने का एक ही उपाय था कि हम मैदान छोड़ देते। हम वास्तविक दुनिया में है, वहाँ कोई गणित नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था, कोई फिजिक्स नहीं था जो 30 जुलाई को आने वाले इस नतीजे को बदल सकता था। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या उद्धव ठाकरे ने सही किया था या गलत, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।